नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्प टीम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे टेक्निकल हेल्प टीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर टाइप करना होगा ITR। इसके बाद आपको सर्च करना होगा। अब आपके सामने सबसे ऊपर इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट सबसे ऊपर खुली है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। हिंदी में ये लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए नई विंडो खुल चुकी है। यहाँ पे सेलेक्ट यूज़र टाइप, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे इस इनकम टैक्स को भरना चाहते हैं तो इंडिविजुअल करना है। हिंदू डिवाइडेड फैमिली के लिए सेकेंड वाला, तीसरा वाला अदर देन इंडिविजुअल के लिए, चौथा एक्सटर्नल एजेंसी, पाँचवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पाँचवा छठा टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर के लिए, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए सातवां। मैं यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से इनकम टैक्स भरना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले पे क्लिक करना होगा। अगर आप खुद टैक्स भरना चाहते हैं तो सबसे पहले के ऊपर क्लिक करें, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये चार स्टेप में इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको क्या भरना होगा, पैन नंबर भरना होगा। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भरेंगे आप। यहाँ आपको कहीं पे भी स्पेस नहीं रखना है। अब इसके बाद आपको दूसरे नंबर में पैन कार्ड में जैसा आपका नाम लिखा हुआ है वैसा लिखना है। दूसरे वाले बॉक्स में सरनेम में आपका अपना नाम लिखना है। मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम, अगर नहीं है तो फर्स्ट नेम लिखें। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे महीना सेलेक्ट कर दिया, अब डेट सेलेक्ट करनी है। मैंने डेट सेलेक्ट कर दी है। आप रेजिडेंशियल स्टेट अगर भारतीय हैं तो रेजिडेंट के ऊपर क्लिक करें, और अगर भारतीय नहीं है तो नॉन रेजिडेंट के ऊपर क्लिक करें। रेजिडेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको क्लिक कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये जितने भी बॉक्स दे रखे हैं इन बॉक्स को भरना है। यहाँ मैं पासवर्ड जनरेट करने के लिए सबसे पहले पासवर्ड डिटेल में अपन पासवर्ड भरेंगे। यहाँ आपको एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर और एक कैपिटल लेटर और बाकी स्मॉल लेटर, कम से कम पासवर्ड के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर नंबर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। पासवर्ड को वापस कंफर्म करेंगे। पासवर्ड कंफर्म हो गए। अब आपको यहां से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ये मैंडेटरी है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा।
यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें इसका नीचे इसका प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं आपको। आंसर लिखने के बाद सेकेंडरी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ मैं इन व्हाट सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब, इसमें ये सेलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर आंसर भी लिख रहा हूँ। अब यहाँ आप इसके नीचे जो बॉक्स है सो सीक्रेट आंसर, इसके ऊपर टिक कर सकते हैं, आपको अपना आंसर दिखाई देगा। अगर आंसर में कुछ गलती है तो आप सही कर सकते हैं। मैंने अपने आंसर देख लिए हैं। उसके बाद आपको ये जो मैंडेटरी स्टार लगे हुए हैं वो डिटेल आपको भरनी है। इस डिटेल के अलावा आपको दूसरी डिटेल नहीं भरनी है, भरना चाहे तो भर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहें तो नहीं भरें। अब आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर भरने हैं। मैं मोबाइल नंबर भर रहा हूँ। उसके बाद ये प्राइमरी मोबाइल नंबर किसके पास हैं, खुद के हैं तो खुद के, पेरेंट्स, सन, डॉटर, जिसके भी हैं वहाँ उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास सेकेंडरी मोबाइल है तो सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालें, अन्यथा रहने दें। आपको ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पे। ये ईमेल आईडी आपकी खुद की है तो खुद की, अगर जिसकी भी ईमेल आईडी है उसके ऊपर यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास सेकेंडरी ईमेल आईडी है तो इस सेकेंडरी ईमेल आईडी वाले बॉक्स में डालें और उसके बाद सेकेंडरी ईमेल आईडी जिसकी भी है उसको सेलेक्ट करें। अब उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री के बाद आपको फ्लैट, डोर और बिल्डिंग में से एक चीज सेलेक्ट करनी है। रोड
स्ट्रीट, ब्लॉक और सेक्टर, इसमें से आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भरे तो भी चल सकता है। उसके बाद आपको पिन कोड नंबर आपके एंटर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पिन कोड नंबर डाल, अब यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर डालने पड़ेंगे। मैं पिन कोड नंबर डाल रहा हूँ। पिन कोड नंबर के बाद आपको एरिया लोकेलिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको एरिया और लोकेलिटी सेलेक्ट करनी है। गांव सेलेक्ट करना है आपका, खुद का गांव सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर जो दे रखे हैं और ईमेल आईडी जो दे रखी है उसके ऊपर ओटीपी आएंगे। उस ओटीपी को भेजने के लिए आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल के जिस दोनों में से दोनों के ओटीपी, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के ओटीपी यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। अब आप अपने मोबाइल के, मैं पहले मोबाइल के ओटीपी डाल रहा हूँ। मैं अपने मोबाइल के ओटीपी एंटर कर रहा हूँ। मैंने अपने मोबाइल के ओटीपी एंटर कर दिए हैं। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी के ओटीपी भी एंटर करना है। यहाँ ऊपर मैं ईमेल आईडी के ओटीपी एंटर कर दिए। अब आपको वैलिडेट करना है यहाँ पे।
उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका वैलिडेट होगा, आपके पास ऐसे एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एंड ई फाइलिंग, योर ट्रांजेक्शन आईडी इज़ ये और योर यूज़र आईडी इज़ ये। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। अब आप इसकी वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके अपना ITR भर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।